कन्हैया कुमार ने हाल ही में नागपुर दौरा किया। दौरे के समय उन्होंने नागपुर में भव्य रैली भी निकाली। नागपुर आते ही पत्रकारों से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। देखिए, सबसे पहले तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और भारत में कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के जनक राजीव जी की जयंती है। इस मौके पे पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अलग अलग तरह का कार्यक्रम कर रही है। नागपुर का कार्यक्रम बहुत यूनिक है क्योंकि इन्होंने जो यहाँ पे रैली रखी है उसका नाम है टेक्नो रैली, और होश में लाना है उन लोगों को जो इस देश को बेच रहे हैं, और होश में लाएंगे वो लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं। और जो हमारे देश की आज सबसे बड़ी चुनौती है, महंगाई, बेकारी, और देश के भीतर जिस तरह से सरकारी संस्थानों को लूटा जा रहा है और जो सरकारी दोस्त हैं, तो सरकारी संस्थानों की लूट और सरकारी दोस्तों को जो छूट है, उस सोच के खिलाफ जो है इस देश को बेहतर करने के लिए, सुंदर करने के लिए रैली रखी गई है। आप सब लोग भी इस रैली में आएँ और आपके माध्यम से जो दीक्षा भूमि है नागपुर, उसकी सभी लोगों को, सभी माताओं, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को अपील है कि इसमें शामिल हों, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं।